बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 7 जनवरी 2024 यानी कि 2 दिन पहले जंग अखबार पे एक पोस्ट आई थी जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से। पाकिस्तान के टीचर्स का ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2024 का ऐलान हुआ है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो अप्लाई आपने किस तरह से करना है, जो मैंने पोस्ट आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी तो बहुत से बच्चों के यही मैसेज आ रहे थे कि आप बताएं इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। तो चलते हैं जी गूगल पे। सबसे पहले आपने आना है गूगल पे। गूगल पे आके आपने लिखना है मैक्स्ट, MEXT, मैक्स, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है। इसको आप लिख के क्लिक करेंगे तो आपके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगी, मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब जापानीज एम्बेसी की वेबसाइट खुल के आ जाएगी, एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। ठीक है जी, इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने आ जाएगा मैक्स टीचर ट्रेनिंग शेड्यूल स्कॉलरशिप 2024। इस सारा आपके पास आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर मैक्स टीचर ट्रेनिंग आर ओपन नाउ। और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2024 है, 9 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने बात करनी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वाले से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1989 से पहले की होनी नहीं चाहिए। मीन्स के 1989 मीन 35 साल, आप समझ लें 35 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा बाकी सारी डिटेल जितनी भी थी वो मैंने आपको, इसकी सारी फाइल आपको शेयर कर दी थी। आज मैंने जस्ट आपको बताना है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ये फाइल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी थी, अगर आपको मिल गई है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मिली, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, व्हाट्सएप करें, मैं आपको ये फाइल दोबारा शेयर कर दूँगी, इसमें सारी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। और उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें उस वहाँ से अपना ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने बात करनी है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है जी, उसके बाद ये लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आप अभी आपने डॉक्यूमेंट्स में आपको बताता हूँ कि आपने सारे ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने हैं, साथ उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और आपने TCS करवाने हैं जापान की एम्बेसी को। उसका एड्रेस क्या है वो ये नीचे एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, ये एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है जी, ये जापान की एम्बेसी का मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, कौंसलेट जनरल ऑफ जापान, 62 सिविल लाइन अब्दुल्ला हारून रोड, कराची, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आप इसको TCS करेंगे। अब फॉर्म कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है जी, सबसे पहले जी आपके पास है जी, ये आप लिखेंगे, ये प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, इसको आपने क्लिक करना है। ऐसे ऐसे प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया जो ना इसकी विंडो खुल के आ जाएगी, स्टडी इन जापान। इसमें आप थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रोल करेंगे तो आपको जनाब ये 4 फॉर्म नज़र आ जाएंगे। एक तो ये फाइल ऊपर एप्लीकेशन गाइडलाइन, ये एप्लीकेशन गाइडलाइन की जो फाइल मुकम्मल है ये मैंने आपको शेयर की थी, अगर आपने खुद भी डाउनलोड करनी है यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा 4 आपके पास फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर FY 2024, ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, साथ प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म है, साथ सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ है, साथ रिकमेंडेशन लेटर सैंपल है। ये सारे फॉर्म मैंने डाउनलोड किए हुए हैं आपके सामने, एक दफ़ा फिर आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म पे मैंने जैसे क्लिक किया, आप डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्म डाउनलोड होके आ गया है। इसको आपने इसी तरह आप ब्लॉक लेटर यानी कि बड़ी ABC में इसको आपने फिल करना है इंग्लिश में। ये इंग्लिश में भी है और साथ जापानीज़ में भी है, तो आपने इसको इंग्लिश में फिल करना है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है, जिसमें किसी किस्म को कोई परेशानी नहीं है, जस्ट आपकी अपनी ही इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, आपके जनाब एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह होगा, वो सारी आपने इसको फिल करना है। उसके बाद आपने दूसरा फॉर्म जो है ना, ये आपने प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म, ये आपने क्लिक करना है। इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा। तो ये आपने बताना है कि आप जापान में कौन से सिटी में जा कर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सर्टिफिकेट फॉर हेल्थ, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट फॉर हेल्थ सर्टिफिकेट वाला फॉर्म आ जाएगा। इसको आपने जनाब अपनी इसमें हेल्थ की सर्टिफिकेशन जो है ना वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये लिखनी है कि आपकी हाइट कितनी है, आपके जनाब ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपकी जो सारे जो ब्लड प्रेशर वगैरह, पल्स रेगुलर, ये सारा जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्यूबर क्लासेस वगैरह का, वो सारा आपने मुकम्मल करवाना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा रिकमेंडेशन लेटर। ये रिकमेंडेशन लेटर आपने इसको भी इसी तरह से डाउनलोड करना है और आपने स्कूल का जो प्रिंसिपल है, आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं या प्राइवेट स्कूल से हैं, तो आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से यहाँ पे साइन स्टैम्प करवाने हैं। ये जो यहाँ से आपका जनाब ये समझें यही आपका जो है ना, ये आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको लाजमी चाहिए, आपको पता है। तो यहाँ पे आपके अपना स्कूल वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ से आपको रिकमेंडेशन फॉर्म देगा कि जनाब मैं रिकमेंड करता हूँ ये बंदा मेरे पास टीचर है, ये टीचिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के काबिल है।
ठीक है, ये चारों फॉर्म आप लगाएंगे। उसके बाद आप अपने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड साथ लगाएंगे, अपना अपना CNIC और अपनी पिक्चर वगैरह लगाएंगे। पिक्चर लगा के तो आप जो ना, मैंने आपको जो पहले इसका एड्रेस दिया है जापान की एम्बेसी का, वहाँ पे आपने इसको इसको TCS कर देना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे जाके सबमिट हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपके पास जो नोटेबल चीज़ें थी, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा था वो आपकी जो क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई भी आपके पास BS या MA MSc है तो आप इसमें एलिजिबल है। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान का, आपके पास CNIC होना चाहिए। एज आपके पास 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक कैरियर बैकग्राउंड जो है ना जी, वो आपके पास जो है ना 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टीचिंग का। और उसके अलावा आपके पास जो है ना, और ये जो आपका एक्सपीरियंस है 1 अक्टूबर 2024 तक 5 साल का मुकम्मल हो जाना चाहिए। ठीक है जी। जैपनीज लैंग्वेज एबिलिटी, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैपनीज जो लैंग्वेज अगर आपको नहीं भी आती, लेकिन आप भी इंटरेस्टेड एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान, कि आप इंटरेस्ट रखते हो कि आप जापान की लैंग्वेज सीख सकते हैं, अगर नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, वो आपको सिखा लेंगे। आपने ये इंटरेस्ट शो करना है कि जनाब मैं सीख लूँगा अगर आप मुझे सिखाएंगे तो। हेल्थ परफॉर्मा मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो आपके पास है वीज़ा रिक्वायरमेंट है, आपने स्टूडेंट वीज़े पर जाना है जापान, और ये 18 मंथ का आपके पास ये वीज़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी किस्म का ये वर्क परमिट नहीं है। उसके अलावा जी ये जो जो आपके पास है जी रिटर्न टू कंटिन्यू वर्क, आपने 18 माह के बाद पाकिस्तान वापस आना है, हर गिज वहाँ पर आपको परमानेंट रहने की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद आपके पास ये है जी नीचे क्या, इसमें बेनिफिट्स वगैरह आपके पास हैं, ये स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं। 1,43,000 येन, 1,43,000 येन पर मंथ आपको मिलेंगे। 1,43,000 येन यानी कि जापान की करेंसी में एक महीने की जो आपकी पे होगी, आपका जो वजीफा होगा वो 1,43,000 ये पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 2.25 लाख बन जाता है, ठीक है जी, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा अजाफी आपके पास 2,000 से 3,000 येन पर मंथ वो आपको वो मुख्तलिफ जो वहाँ पर सिटीज़ वगैरह के फ़र्क के हिसाब से वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद एजुकेशन फ़ीस वगैरह जो आपके जो वहाँ पर जो आपने जो कोर्स करना है वो भी बिल्कुल भी पेड बाय मैक्स्ट होगी, मीन कि वो जापान की गवर्नमेंट ही उसको सारा कुछ पे करेगी, ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह जो है ना, ये भी आपका जो जहाज़ का किराया होगा, जो आपका टिकट होगा, जो एयर टिकट, वो भी जापान की गवर्नमेंट ही देगी, आपने अपने पास से कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन फ्राम जापान, वो कहता है जी आपने क्या करना है, जो आपका जहाज़ का किराया होगा, जहाज़ की जो टिकट होगी वो गवर्नमेंट देगी, बाकी जो टैक्सी वगैरह के जो हैं दूसरे छोटे मोटे जो खर्चात हैं वो आपने खुद करने हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास ये जो है जी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो है जी आपकी फैमिली के वाले से, कि आप फैमिली को साथ ले जा सकते हैं कि नहीं, तो वो यहाँ पे जनाब ये लिखा हुआ है, ये है जी ये आपके पास लिखा हुआ है कि आप अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हैं, फैमिली आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो आपके साथ जाके 18 माह वहाँ पर रह सकते हैं। ये आपके सारी डिटेल थी। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की कोई डिटेल ना समझ आ रही हो, कोई आपने और क्वेश्चन करना हो, तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको फाइल भी मुकम्मल कर देंगे और आपको मुकम्मल गाइड भी कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।